नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं देश विदेश के सुर्खियों पर। पहिए का आविष्कार करने से पहले 700 किलोमीटर दूर लाया गया था 30 टन का पत्थर, नई रिसर्च में खुलासा। रूसी धरती पर यूक्रेनी कब्जे के बाद मॉस्को में भारतीय राजदूत से मिले पुतिन के सलाहकार। कांगो में ISIS के आतंकवादियों ने किया बड़ा हमला, 16 ग्रामीणों की मौत के साथ 20 का अपहरण। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने विश्वविद्यालय के वाहन पर घात लगाकर किया हमला, 20 छात्रों का अपहरण होने से हड़कंप। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर वर्मा पहुंचे नई दिल्ली, एस जयशंकर के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। नोएडा, मुंबई और गुरुग्राम में मॉल को बम से उड़ाने की झूठी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान। यूपी के मेरठ जिले में रेप की नियत से 2 साल की बच्ची को लेकर भागा युवक, परिजनों ने पीछा किया तो नाले में फेंका, हुई मौत। उदयपुर में छात्र पर हमला करने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, इंटरनेट बैन का समय बढ़ा। दलित किशोरी की हत्या मामले में बुलडोजर एक्शन, आरोपी के घर की कुर्की कर गिराया मकान। जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा, हमें सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा, बीजेपी विधायक ने क्यों दिया यह बयान। हिमाचल प्रदेश के डमराली में फटा बादल, कई इलाकों में आई बाढ़, बिजली आपूर्ति ठप। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कानपुर में रेल हादसे के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया रूट। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई, मुद्दा घोटाला पर सुरजेवाला। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों पर चर्चा के लिए एसोसिएशनों के साथ बैठक बुलाई। कर्नाटक अभी उपचुनाव नहीं लेकिन 3 सीटों पर सस्पेंस पर करार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बांध का पानी झीलों में छोड़ा जाए ताकि वर्षा जल के लिए जगह बने। कर्नाटक वचन दर्शन पुस्तक के खिलाफ 20 अगस्त को आंदोलन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंटेंट अब नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, जाने क्यों लगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। श्रद्धा कपूर की फिल्म में रचा इतिहास, 2 ही दिनों में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। ऋषभ पंत का मानना, DPL उन खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका जिन्हें IPL में नहीं मिलती पहचान। ओलंपिक के बाद अब इस गेम्स में भी शामिल होगा क्रिकेट, ICC कर रहा तैयारी। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए 2030 तक 14.8 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों की जरूरत, लागू करने होंगे बड़े रिकॉर्ड्स। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों में। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7।